5 जनवरी के दिन जो स्टॉक आपके वॉचलिस्ट में होना चाहिए उनके बारे में हम आपके लिए कुछ जानकारी लेके आए हैं। इन स्टॉक में 5 जनवरी के दिन न्यूज़ें देखने को मिलने वाली हैं, जिसकी खबर हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। सिंपली आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आना है। यहाँ पे जो स्टॉक हमने बताए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पर जो लिस्ट बनाई है उसमें पहले नंबर पर जो स्टॉक हमें देखने को मिलता है ये है VLS फाइनेंस का स्टॉक। ये इस समय इस स्टॉक का जो प्राइस है ये 158.25 का चल रहा है। इस स्टॉक में बायबैक के ऊपर विचार किया जा सकता है। बायबैक के लिहाज से ये स्टॉक को आपको अपने फोकस में रखना चाहिए। अगला स्टॉक जो निकल के आता है ये सिम्बोलिक्स का स्टॉक है, जो इस समय 6.14 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज स्टॉक में 3.19% के अपसाइड देखने को मिले हैं। ये स्टॉक में रायल्टी इशू के ऊपर विचार किया जा सकता है। अगला स्टॉक जो निकल के आता है ये KP एनर्जी का स्टॉक है, जो इस समय 404 पर ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला। स्टॉक में तकरीबन 4.25% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिली और ये 16.85 रुपये आज ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया। KP एनर्जी के स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट की खबर के कारण आज स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला। इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट की खबर कल देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक जो है ये सुप्रीम इंफ्रा का स्टॉक है। इस स्टॉक में कल रिजल्ट आने वाले हैं, तो कल रिजल्ट के लिहाज से इस स्टॉक में 5% के अपर सर्किट लगते हुए नजर आए हैं। तो इन स्टॉक को आप अपने फोकस में रख सकते हैं, अपने रडार पर रख सकते हैं। कल इन स्टॉक में हमको हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक बताए गए हैं ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ पर है। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।